श्री गुरु ग्रंथ साहब एक कमकार सतगुर प्रसादी आसा मैला चार छंत करो चार। हरि अमृत पिने लोईना मनु प्रेमी रत्ना राम राजे। मनु रामी कसवती लाया कंचन सोमिना। गुरमुख रंगी चलू लिया मेरा मनो तनो पिना। जन नानको मस्तो जको लिया सब जन्म तनो तना। हे भाई मेरी आंखें आत्मिक जीवन के दाता हरि के नाम जल से भीग गई हैं। मेरा मन प्रभु हरि के नाम रंग में रंगा हुआ है। परमात्मा ने मेरे मन को कसौटी पर परखा है और यह शुद्ध कंचन बन गया। गुरु का शरणागत कर होकर के मेरा मन प्रभु हरि के प्रेम रंग में गहरा लाल हो गया। मेरा मन और हृदय प्रेम रंग में ओत प्रोत हो गया है। नानक जी प्रभु के नाम की कस्तूरी से भली प्रकार सुगंधित हो गए। अब नानक का संपूर्ण जीवन सौभाग्यशाली बन गया। गुरुमुखी रंगी चलू लिया मेरा मनु तनो पिना। जन नानकू मस मुस्की चकोलिया सब जन्मो तनु तना। हरि प्रेम बानी मनु मारिया अनियाले अनिया राम राजे। जिसु लागी पीर पिरम कीसो जाने जरिया। जीवन मुक्ति सो आख्या मरी जीवे मरिया। जन नानक सतगुरु मेली हरि जुग तुत्रु तरिया। प्रभु चरणों में प्रेम उपजाने के लिए गुरु बानी ने मेरा मन भींद लिया। जैसे तीखी नोक वाले तीर किसी चीज को भींद लेते हैं, जिस मनुष्य के भीतर हरि प्रभु प्रेम की कसक उठती है वही जानता है कि उस कसक को कैसे सहा जाए। जो मनुष्य माया मोह में असंलग्न होकर के जीवन बताता है वे संसारिक काम काज करता हुआ भी माया के बंधनों से आजाद रहता है। दास नानक की प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे गुरु से मिला ताकि मैं इस दुष्टर संसार सागर से पार हो जाऊं। जीवन मुक्ति सो आखिए मरी जीवे मरिया। जन नानक सतगुरु मिली हरि जगो तत्रो तरिया। हम मूर्ख मुगद शरणागति मिलो गोविंद रंगा राम राजे। गुर पूरे हरि पाया हरि भगति इक मंगा। मेरा मनु तनु सब दी विगासिया जपी अनप तरंगा। मिली संत जना हरि पाया नानक सतसंगा। हे अनंत कोतों के स्वामी गोविंद हमें मिलो। हम भूखे एवं अज्ञानी तेरे शरण आए। हम मूर्ख हैं अज्ञानी हैं तेरी शरण में आए हैं। मैं गुरु से परमात्मा की भक्ति की याचना करता हूँ क्योंकि पूर्ण गुरु के द्वारा ही परमात्मा मिल सकता है। गुरु के ज्ञान के द्वारा अनंत लहरों वाले समुद्र प्रभु को स्मरण करके मेरा मन खिल गया है। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है। नानक जी का कथन है कि संत जनों को मिल करके संतों की संगति में मैंने परमात्मा हरि को प्राप्त कर लिया। मेरी संत जना हरि पाया नानक सत्संगा। दीन दयाल सुनी बेनती हरि प्रभ हरि राया राम राजे।
हाँ मांगो सरनी हरि नाम की, हरि हरि मुखी पाया। भक्त वच्छल हरि विद्धु है, हरि लाज रखाया। जनु नानकु सरनागति हरि नामी तराया। हे दीन दयालु प्रभु हरु जी, हे बादशाह जी, मेरी प्रार्थना सुन। हे हरि, मैं तेरे नाम का आसरा मांगता हूँ। हे हरि जी, तेरा नाम यदि तेरी कृपा हो तो मुंह द्वारा जप सकता हूँ। हे भाई, परमात्मा का ये शाश्वत स्वभाव है कि वह भक्ति के साथ प्रेम करता है, शरणागत की प्रतिष्ठा की रचना कर रक्षा करता है। दास नानक भी उस हरि का शरणागत है जो शरणागत को अपने नाम में अनुरक्त करके संसार समुद्र से पार कर देता है। भक्ति वच्छलो हरि विद्धु है, हरि लाज रचाया। जनु नानको शरणागति हरि नामी तराया। आसा मेला चौथा, गुरमुखी टूंडी टूंडे दिया, हरि सजनो लद्दा राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ विच्ची हरि हरि सिद्धा। हरि हरि हीरा रत्नु है, मेरा मनु तनु विद्धा, तुरी पाग वड्डे हरि पाया, नानक रसी कुद्दा। गुरु का शरणागत होकर मैंने खोजते खोजते मित्र प्रभु को प्राप्त कर लिया। मेरा ये शरीर रूपी किला स्वर्ण का बन गया क्योंकि इसमें परमात्मा प्रकट हो गया। मुझे अपने भीतर ही परमात्मा का नाम रत्न नाम हीरा मिल गया है, जिससे मेरा मन मेरा हृदय बिंध गया है, अर्थात स्थिर हो गया है। नानक का कथन है कि प्रभु की सेवा से सौभाग्यवश मुझे परमात्मा हरि मिला है और मेरा अहम तत्व उसके प्रेम रस में भीग गया है, अर्थात समाप्त हो गया। हरि हरि हीरा रत्न है, मेरा मन तनि विद्धा, तुरी पाग वड्डे हरि पाया, नानक रसी गुद्दा। पंथु दसावा नित खड़ी मुद जोंगनी वाली राम राजे, हरि हरि नामु चेला चेताई, गुरु हरि मार्ग चाली। मेरे मनी तनी नाम अधारू है, ओमे विखो चाली, जन नानक सतगुरु मिली, हरि हरि मिलिया बनवासी बनवाली। हे सतगुरु जी, मैं यौवन संपना मूर्ख जीव रूपी स्त्री सदा खड़ी हुई तुझसे प्रभु प्रीतम के देश का मार्ग पूछती हूँ। हे सतगुरु जी, मुझे हरि प्रभु पति का नाम स्मरण कराते रहो ताकि मैं परमात्मा हरि की प्राप्ति के मार्ग पर चलूं। मेरे मन और हृदय में प्रभु हरि का नाम ही अवलंब है। यदि तुम्हारी कृपा हो तो मैं अहंकार विष को जला सकूंगी। दास नानक जी की प्रार्थना है कि गुरु से भेंट कराइए। जो भी कोई परमात्मा को मिला है गुरु के द्वारा ही मिला है। जन नानक सतगुरु मिली, हरि हरि मिलिया बनवाली। गुरमुखी प्यारे आई मिलो, मैं चीरी विछूने राम राजे, मेरा मनु तनु बहुत वैराग्या, हरि नैन रसी पिने। मैं हरि प्रभु प्यारा दसी गुरु मिली, हरि मनु मने, हम मूर्खी कारे लाया, नानक हरि कमे। हे प्यारे हरि जी, मुझ चिरकाल से बिछड़े हुए को गुरु के माध्यम से आकर के दर्शन दो। मेरा मन मेरा हृदय वैराग्य युक्त है, मेरी आंखें प्रेम जल में गिली हैं। हे हरि जी,
मुझे प्यारे गुरु का पता बताइए ताकि गुरु को मिल करके मेरा मन तेरी याद में लग जाए। नानक जी का कथन है कि हे हरि, मैं मूर्ख हूं, मुझे अपने नाम स्मरण के काम में लगाइए। मैं हरि प्रभु प्यारा, दसी गुरु मिली हरि मनु मन्ने, हम मूर्ख कारे लाया नानक हरि कम में। गुरु अमृत पिनी देहरी अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबानी मनि पाया अमृत छक्की छक्के, गुर तुठे हरि पाया चुके तक तक्के। हरि जनु हरि हरि होया नानको हरि इक्के। गुरु का सुंदर हृदय सदा आत्मिक जीवन के दाता हरि नाम जल से भीगा रहता है। वे आत्मिक जीवन के दाता नाम जल को दूसरों के लिए भी छिड़कता रहता है, जिन मनुष्यों को अपने मन में सतगुरु की वाणी प्रिय लगती है उनके हृदय भी वाणी का आनंद अनुभव करके आत्मिक जीवन के दाता हरि नाम जल से भीगे रहते हैं। नानक जी का कथन है, गुरु कृपा से परमात्मा हरि और उसका सेवक एक रूप हो जाते हैं और सेवक हरि परमात्मा में लीन हो जाता है। आसा महला चौथा, हरि अमृत भगति भंडार है गुरु सतगुर पासे राम राजे। गुरु सतगुरु सच्चा साहु है सिख दे हरि रासे, तनु तनु वंजारा वंजू है गुरु साहू साबासे, जनु नानको गुरु तिन्नी पाया चिंतुरी लिखतो लीलाटी लिखाते। हे भाई, आत्मिक जीवन देने वाली प्रभु भक्ति के कोष गुरु तथा सतगुरु के पास ही है। इस सत्य स्वरूप हरि भक्ति के खजाने का साहूकार गुरु सतगुरु ही है। वही अपने शिष्यों को भक्ति रूपी धन देता है। यदि श्रेष्ठ यही श्रेष्ठ व्यापार है, वही मनुष्य भाग्यवान है जो ये व्यापार करता है। नाम धन का साहूकार उस मनुष्य को प्रोत्साहन देता है। नानक जी का कथन है कि जिन मनुष्यों के मस्तक पर आदि से प्रभु हरि की सेवा द्वारा इनकी उपलब्धि का लेख लिखा है, वे हरि प्रभु भक्ति का व्यापार उन्हें ही मिलता है। जनु नानको गुरु तिन्नी पाया जिन तुरी लिख तो लिखाटी लिखासे, सच्चो साहो हमारा तो तनी सबो जगतु वंजारा राम राजे, सब पांडे तुद्दु साजिया विच्ची वस्तु हरि थारा, जो पावी पांडे विच्ची वस्तु सा निकले किया कोई करे बेचारा, जन नानक को हरि वस्या हरि भक्ति भंडारा, हम किया गुण तेरे विथर स्वामी तू अपर अपारी राम राजे, हरि नामो सलारू दिनु राति एहा आसदारी, हम मूर्ख किछु न जाना कि पाऊं पारो, जनु नानको हरु का दासु है हरि दास पनिहारो, ज्यों पावे त्यों राखी ले हम सरनी प्रभ आए राम राजे, हम पुल्ली विगा तीन सो राति हरि लाज रखाए, हम बारिक तो गुरु पिता है दे मति समझाए, जनु नानको दासु हरु काढ़िया हरि पैज रखाई। हे प्रभु जी, तुम हमारे स्वामी हो, तुम शाश्वत साहूकार हो, तमाम दुनिया तुम्हारे दिए नाम धन से नाम वाणिज्य करने के लिए आई हुई है। हे प्रभु जी, ये सब जीव जंतु तेरे द्वारा उत्पादित हैं, इनके भीतर
तेरी ही आत्मा मौजूद है, कोई बेचारा जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जो पदार्थ तुम इन शरीरों में डालते हो वही प्रकट होता है। हे हरि जी, अपने दास नानक को भी तुमने ही अपनी भक्ति का कोश दिया हुआ। जन नानक को हरि बख्शिया हरि भक्ति भंडारा। हे मेरे मालिक, हम तुम्हारे कौन कौन से गुण गिन करके कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे गुण अनंत हैं। प्रभु तुम अनंत हो। हे स्वामी, हम तो रात दिन तुम्हारे नाम की महानता बखानते हैं। हमारे जीवन का यही अवलंब है, यही आसरा है। हे प्रभु जी, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, हम तुम्हारा अंत कैसे पा सकते हैं। दास नानक तो परमात्मा का दास है, परमात्मा के दासों का दास है। जनु नानको हरि का दासु है, हरि दास पनिहार। ज्यो पावे त्यों राखी ले, हम सरनी प्रभ आए राम राजे। हम पुल्ली विगाड़ दिन सु राती हरि ला लाज रखाए। हम बारिक तो गुरु पिता है, दे मती समझाए। जनु नानको दासो हरि कढ़िया हरि पैज रखाए। हे प्रभु जी, हम तेरे शरणागत हैं, अब जैसे तेरी इच्छा हो वैसे हमें बचा ले। हम दिन रात जीवन मार्ग से भ्रष्ट होकर के अपने जीवन को खराब करते रहते हैं। हे हरि, हमारी प्रतिष्ठा बना। हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे माता पिता हो। हमें सन्मति देकर के भली सूझबूझ दीजिए। हे हरि जी, दास नानक तुम्हारा दास कहलाता है, इसलिए अपने दास की प्रतिष्ठा रखो। जनो नानको दासो हरि काढ़िया हरि पैज रखाई। आसा मेला चौथा। जिन मस्त की तुरी हरि लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञानो अंधेरा कढ़िया, गुर ध्यानो कटी बलिया। हरि लद्दा रत्नो पदार्थो, फिरी बौल न चलिया। जन नानक नामो राधिया, आराधी हरि मिलिया। जिन्नी ऐसा हरि नामो न चेतियो, से काहे जगी आए राम राजे। जिन मनुष्यों के मस्तक पर परमात्मा के दरबार से गुरु मिलाप का लेख परमात्मा द्वारा लिखा होता है, उन्हें गुरु मिल जाता है। गुरु कृपा द्वारा आत्मिक जीवन की ओर से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और उनके हृदय में गुरु द्वारा की हुई आत्मिक जीवन की सूझ प्रकट हो जाती है। उन्हें परमात्मा का नाम रूपी कीमती रत्न प्राप्त हो जाता है, जो पुनः गुम नहीं होता। नानक जी का कथन है कि गुरु का शरणागत हो। जो मनुष्य परमात्मा हरि का नाम स्मरण करते हैं, वे हरि नाम स्मरण द्वारा परमात्मा हरि में ही लीन हो जाते हैं। जन नानक नामो राधिया, राधी हरि मिलिया। जिन्नी ऐसा हरि नामो ना चेतियो, से काहे जग्गी आए राम राजे। इहूं मानस जनसु दुर्लभ है, नाम बिना वीरथा सबु जाए। हुनी वत्ते हरि नामो ना बीजियो, अगे भुख किया खाए। मन मुखानु फिर जन्मो है, नानक करी पाए। ऐसा कीमती अर्थात आत्मिक जीवन का प्रेरक नाम जिन मनुष्यों ने स्मरण नहीं किया, वे जगत में किस लिए उत्पन्न हुए। ये मानव जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। जो नाम स्मरण के बिना संपूर्ण व्यर्थ चला जाता है।
जो मनुष्य जीवन में उपयुक्त समय पर अपने हृदय की खेती में परमात्मा हरि का नाम रूपी बीज नहीं बोता, वह परलोक में तब कौन सी खुराक इस्तेमाल करेगा जब आत्मिक जीवन के बढ़ने के लिए नाम भोजन की आवश्यकता होगी। नानक जी का कथन है कि शिक्षाचारी व्यक्तियों को बार बार जन्मों का चक्र मिलता है, शायद उनके लिए परमात्मा हरि को यही सही लगता है। मन मुखानु फिरी जन्म है नानक हरि पाए, तो हरि तेरा सब को सभी तत्व उपाय राम राजे, किच्छु आती किसे दे किच्छु नाई सभी चली चलाए, जिन्ना तो मिली प्यारे से तत्व मिली जो हरि मनि पाए, जन नानक सदगुर पेटिया हरि नामी तराए। हे हरि जी, तुम सब जीवों के स्वामी हो, हम एक जीव तुम्हारा है, हर एक जीव तुम्हारा है, सब तुम्हारे द्वारा उत्पादित हैं, किसी जीव के वश में कुछ नहीं है, जैसे तुम चलाते हो वैसे ही सब जीव आचरण करते हैं। हे प्यारे प्रभु, जिन जीवों को तुम अपने साथ मिलाते हो, जो तुम्हें अपने मन में भले लगते हैं, वे तुम्हारे चरणों में जुड़े रहते हैं। नानक जी का कथन है कि जिन मनुष्यों को गुरु प्राप्त हो जाता है, उन मनुष्यों को गुरु परमात्मा के नाम में छोड़ करके पार उतार देता है। जन नानक सतगुर पेटिया हरि नामी तराई, कोई गावे रागी नादी वेदी बहु बाती करी, करी नहीं हरि हरि पीजे राम राजे, जिन्ना अंतरी कपटु विकार है तिन्ना रोई किया कीजे, हरि करता सब किछु आंदा सिरी रोग अथु दीजे, चिन्ना नानक गुरमुख इर्दा सुद्दू है हरि भक्ति हरि लीजे। हे भाई, कुछ मनुष्य राग गा करके, कुछ शंख आदि बजा करके, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ करके परमात्मा हरि के गुण गाते हैं, लेकिन परमात्मा हरि इस प्रकार प्रसन्न नहीं होता, वह तो हर एक प्राणी के भीतर की बात जानता है, चाहे भीतरी विकारों को छिपा करके रखा जाए, परमात्मा हरि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हे नानक जी, गुरु का शरणागत होकर के जिन मनुष्यों का हृदय पवित्र हो जाता है, वे ही परमात्मा हरि की भक्ति करते हैं और वे ही हरि का नाम लेते हैं। जिन्ना नानक गुरुमुख इर्दा सुद्धु है हरि भक्ति हरि लीजे। आशा मेला चौथा, जिन अंतरी हरि हरि प्रीति है ते जन सुगढ़ सियाने राम राजे, जे बारू पुली चुकी बोल दे भी खरे हरि पाने, हरि संतानो होरू थाऊ नाई हरि मानो निमाने, जन नानक नामो दीवानु है हरि तानो सताने। जिन मनुष्यों के हृदय में परमात्मा हरि का प्रेम है, वे मनुष्य बुद्धिमान है। यदि वे कभी भूल चूक से बाहर लोगों में ओछे बोल बोलते हैं, तो भी वे परमात्मा हरि को बड़े प्रिय लगते हैं। जिन अंतरी हरि हरि प्रीति है ते जन सुगढ़ सियाने राम राजे, जे बारों पुल्ली चुक्की बोलते भी खरी हरि पाने। परमात्मा के संतों को परमात्मा हरि के अतिरिक्त दूसरा सहारा नहीं होता, परमात्मा हरि ही तुच्छ व्यक्तियों का सम्मान है। हरि संतानु होरो थाउ नाई हरि मानो नि माने। हे नानक जी,
परमात्मा हरि का नाम ही परमात्मा के सेवकों के लिए सहारा है, परमात्मा ही उनका बाहुबल है जिससे वे विकारों से जूझने के लिए दृढ़ रहते हैं। जन नानक नामो दीवानो है हरि तानु सुताने। जिथे जाई बहे मेरा सतगुरु, सो थानु सुहावा राम राजे, गुरु सिख्यू सो थानु पालिया, ले तोरी मुखी लावा, गुर सिखा की काल थाई पाई, जिन्ना हरि नामो त्यावा, जिन्ना नन को सतगुर पूजिया, तिन हरि पूज करावा। हे भाई, जिस स्थान पर प्यारा प्रभु बैठता है वह स्थान सुंदर बन जाता है, गुरु शिष्य उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी धुरी को अपने मस्तक पर लगाते हैं। जिथे थाई बै मेरा सतगुर, सो थानु सुहावा राम राजे, गुर सिखी जो सो थानु पालिया, ले तुरी मुखी लावा। जो गुरु शिष्य परमात्मा हरि का नाम स्मरण करते हैं उनकी मेहनत परमात्मा हरि के द्वार पर स्वीकृत हो जाती है। नानक जी का कथन है कि जो मनुष्य अपने हृदय में गुरु का आदर सत्कार करते हैं, परमात्मा हरि जगत में उनका आदर कराता है। जिन्ना नानक को सतगुर पूजिया, तिन हरि पूज करावा। गुर सिखा मनी रे प्रीति है, हरि नाम हरि तेरी राम राजे, करी सेवी पूरा सतगुरु मुख जाई लही मेरे। गुर सिखा की पुक सब गई, तिन पिछे और खाई कनेरी, जन नानक हरि पुन्नु बीजिया, फिरी तोटी ना आवे हरि पुन्ना केरी। हे हरि जी, गुरु के शिष्यों के मन में तेरी प्रीति बनी रहती है, तेरे नाम का प्रेम टिका रहता है, वे अपने गुरु को अस्विरमणीय जान करके उनकी बतलाई सेवा करते रहते हैं, जिनके प्रभाव से उनके मन से माया की भूख दूर हो जाती है। उनकी संगति करके बहुत सी दुनिया नाम स्मरण की खुराक खाती है। हे नानक जी, जो मनुष्य अपने हृदय खेत में प्रभु हरि के नाम स्मरण का शुभ बीज बोते हैं, उनके भीतर इस भले कर्म की कभी कमी नहीं होती। जन नानक हरि पुन बीजिया, फिरी तोटी आवे हरि पुन्ना केरी। गुरसिखा मनी वदाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, कोई करी गल सुनावे, हरि नाम को सो लगे गुर सिखा मनी मिठा। हरि दरगाह गुर सिख पहनाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानको हरि हरि होया, हरि हरि मन बुठा। जिन मनुष्यों के हृदय में परमात्मा का प्रेम है वे मनुष्य बुद्धिमान है। यदि वे कभी भूल चूक से बाहर लोगों में ओछे बोल बोलते हैं तो भी वे परमात्मा को बड़े प्रिय लगते हैं। परमात्मा के संतों को परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा सहारा नहीं होता। परमात्मा ही तुच्छ व्यक्तियों का सम्मान है। हे नानक जी, परमात्मा का नाम ही परमात्मा के सेवकों के लिए सहारा है। परमात्मा हरि ही उनका बाहुबल है जिससे वे विकारों के से जूझने के लिए दृढ़ रहते हैं। हरि संतानु औरो थाम नाई, हरि पानो निमाने, जन नानक नामो दीवानो है हरि तानु सताने। जिथे जाई
बहे मेरा सतगुर। सो थानु सुहावा राम राजे, गुर सिख सो थानु पालिया, ले तुरी मुखी लावा, गुर सिखा की थाल थाई पई, जिन हरि नाम ते आया, जिन नानक को सतगुर पूजिया, तिन हरि पूज करावा। हे भाई, जिस स्थान पर प्यारा प्रभु जा बैठता है वह स्थान सुंदर बन जाता है। गुरु शिष्य उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं और उसकी धूली को अपने मस्तक पर लगाते हैं। जो गुरु शिष्य परमात्मा हरि का नाम स्मरण करते हैं उनकी मेहनत हरि परमात्मा के द्वारा स्वीकृत हो जाती है। नानक जी का कथन है कि जो मनुष्य अपने हृदय में गुरु का आदर सत्कार करते हैं परमात्मा हरि जगत में उनका आदर कराता है। जिन्नो नान को सतगुरु पूजिया तिन हरि पूज करावा। गुर सिखा मनी हरि प्रीति है, हरि नाम हरि तेरी राम राजे, करी सेवी पूरा सतगुरु पुख जाए लई मेरी। गुर सिखा की पुख सब गई, तिन पिछे और खाई कनेरी, जन नानक हरि पुन दीजिया, फिर तोटी न आवे हरि पुन केरी। हे हरि जी, गुरु के सिखों के मन में तेरी प्रीति बनी रहती है। जो तेरा नाम का प्रेम टिका रहता है वे अपने गुरु को अविस्मरणीय जान करके उसकी बतलाई सेवा करते रहते हैं, जिसके प्रभाव से उनके मन से माया की भूख दूर हो जाती है। उनकी संगति करके बहुत सी दुनिया नाम स्मरण की खुराक खाती है। हे नानक जी, जो मनुष्य अपने हृदय खेत में हरि के नाम स्मरण का शुभ बीज बोते हैं उनके भीतर इस भले कर्म की कभी कमी नहीं होती। जन नानक हरि पुन बीजिया, फिर तोटी ना आवे हरि पुन्ना केरी। गुर सिखा मनी वधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, कोई करी गल सुनावे हरि नाम की, सो लगे गुरु लिखा मनी मिठा। हरी दरगाह गुर सिख पै नहीं, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानको हरी हरी होया, हरी हरी मन बुठा। जिन गुरु शिष्यों ने प्यारे गुरु का दर्शन कर लिया उनके मन में सदा उत्साह बना रहता है। यदि कोई मनुष्य परमात्मा हरि की गुण स्तुति की बात आ सुनाए तो वह मनुष्य गुरु सिखों को प्यारा लगने लगता है। हे भाई, जिन पर प्यारा सतगुरु कृपालु होता है उन्हें परमात्मा के दरबार में आदर मिलता है। नानक जी का कथन है कि वे गुरु शिष्य परंपरा का रूप हो जाते हैं, परमात्मा हरि उनके मन में सदा बसा रहता है। जन नानको हरी हरी होया, हरी हरी मनी बुट्ठा।